हम दिल्ली से हैं, हमारी समस्या ये है कि हम दिल्ली जीटीबी नगर कैंप इलाके में रेहड़ी पटरी लगाते हैं और हमारी समस्या है कि आए दिन हमारे को एमसीडी द्वारा और बहुत लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, डरा धमका जाता है और हम चाहते हैं कि इस पे हमारी के लिए सरकार से खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे हैं हम कि हमारे ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और हमें हमारा हक लिया जाए। हमें ये हमारी हक की लड़ाई है और भाइयों हमेशा लड़के लेंगे। खेती करते हैं, किसान हैं और हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी जो मूल्य है वो कानून में जो बनाकर उससे नीचे नहीं खरीदा जाना चाहिए कोई भी माल। और किसान की जो है लागत बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है, लेकिन बचत नहीं होती है। तो सरकार मतलब कोई आपको समाधान करना चाहिए जाते किसान जो है उनकी आमदनी निश्चित तौर पर आवे और वही गुजर बसर सही हो। हम मिड डे मील वर्कर्स है, हमें सिर्फ 50 रुपए ही तनख्वाह मिलती है, 1500 रुपए महीना। तो एक महीने के 1500 रुपए मिलते हैं, मगर हमको 7 से 8 घंटा काम करना पड़ता है। सवेरे से 9 बजे से तो 4 बजे तक हम स्कूल में खाना पकाते हैं, मगर हमको उतनी तनख्वाह नहीं है, सिर्फ 50 रुपए रोज है। इसलिए हम मोदी सरकार को विनती कर रहे हैं कि कम से कम 21,000 रुपए मानधन हमको मिलना चाहिए, हमको वेतन मानधन नहीं। हम लोग पटरी लगाते हैं, कुछ 2 महीने के अंदर में है ना हम लोगों को इतना परेशान किया गया है एमसीडी के अंदर में कि इससे है ना हम लोगों को है ना घर चलाने में हमारे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। सर लोगों को परेशान किया जाता है, जितना हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, एमसीडी वाले हमारा दुकान का सामान उठा के ले जाते हैं, हमसे बदतमीजी करते हैं।